आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने संभल में कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के संभल के अचोंडा कम्बो स्थित श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इसी दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी, साथ ही हवन और पूजा अर्चना भी की। हिंदू तीर्थ कल्कि धाम के संतों ने शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को कल्कि धाम मंदिर का प्रस्तावित स्वरूप भेंट किया। बता दें कि आज आधारशिला रखने के बाद करीब 4 साल में यह धाम मॉडल के अनुसार बनकर तैयार हो जाएगा। यह एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। पुराणों में उल्लेख है कि कलयुग में भगवान कल्कि संभल में अवतरित होंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज आचार्यों और संतों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्कि धाम की आधारशिला रखने का सौभाग्य मिला। आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। वही कल्कि धाम के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री के स्वागत में कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है बजाय भावनाओं के, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अच्छा हुआ प्रमोद जी ने मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ भावनाएं दी, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते तो उन पर भी भ्रष्टाचार का केस हो जाता। तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। ऐसी खबरों में जुड़े रहने के लिए देखते रहे सुरमे टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कुमुद मिश्रा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।